प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हमारा टॉपिक यही है, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ये भारत के राष्ट्रपति हैं, ये कौन होते हैं? ये भारत के सर्वोच्च सिविलियन ऑफिसर होते हैं, सिविलियन अधिकारी होते हैं। इसके नीचे क्या रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ये हो गए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के नीचे होती है पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, यानी कि पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ये काम करता है। यहाँ नीचे तक चीजें आती हैं और ये सारा का सारा किस में आ जाता है? ये आपका आता है एग्जीक्यूटिव में, यानी कि आपका आता है कार्यपालिका में। यानी कि राष्ट्रपति से लेकर लेकर नीचे तक डी ग्रेड का कर्मचारी, जिसमें कि आपका कोई भी हो सकता है, पीएन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपका आ जाएगा। पूरा का पूरा जो ऊपर से नीचे का सिस्टम है, ये आपका आता है एग्जीक्यूटिव में, ये रहता है। आज हम बात करेंगे सबसे ऊपर के अधिकारी की, इसी की बात करेंगे हम। जरूरी क्या है? हमें पूरा देश चलाना है, देश चलाने कोई तो एक व्यक्ति ऐसा हो जो अंतिम अधिकारी हो, जो मोहर लगाए, क्योंकि हम चाहे राजशाही है, यानी कि चाहे राजा महाराजा का जमाना है या फिर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपने नेता को चुनता है। एमएलए एमपी चुने जाते हैं, ये संसद में बैठकर सरकार चलाते हैं। कई सारे मंत्री होते हैं, मंत्रियों के ऊपर प्रधानमंत्री होता है। कोई तो एक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी तय हो, कोई तो एक व्यक्ति ये होना चाहिए जो पूरे सिस्टम को देखे, होना चाहिए कोई तो व्यक्ति, कोई तो अंतिम सत्ता होनी चाहिए जो सबसे ऊपर बैठा है। अगर कोई सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अंतिम अधिकारी ये कोई तो व्यक्ति होना चाहिए। पहले क्या होता था? पहले इसकी जगह राजा होता था। अब क्या होने लगा? राजा का नया रूप आ गया, धीरे धीरे बदलते गए, राजा की शक्ति छीन ली गई। और राजा की शक्तियां जब छीन ली गई, यानी कि एक डमी के रूप में आप मान सकते हैं, सिर्फ एक प्रतीक के रूप में, ये आपका हो गया आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर एक देश में राष्ट्रपति नहीं होता है, याद रखना। अलग अलग देश में अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो ऊपर की चोटी पर बैठे होते हैं। जैसे आप ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटेन में कौन है, क्या राष्ट्रपति है? ब्रिटेन में महारानी या महाराज यही रहते हैं। जापान में क्या है? जापान में भी यही है। सऊदी अरब, वहां पर क्या है? क्या वहां पर राष्ट्रपति है? नहीं है राष्ट्रपति, वहां पर राजा है। जैसे मैंने बोला, कई सारे देश में तानाशाह होते हैं। अगर हम बात करें म्यांमार की, वहां पर कौन है? मिलिट्री शासन है। तो कोई तो एक चोटी पर बैठा हुआ व्यक्ति है जो पूरे देश को चला रहा है, वो दूसरे को आदेश दे सकता है, वो तीसरे को, वो चौथे को, ऐसे। ये जो सबसे टॉप पोस्ट होती है, ये रहती है आपका राष्ट्रपति की इंडिया में। इसके नीचे आपके आते हैं बाकी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, ऐसे करके नीचे रैंक, सचिव, सचिव के नीचे काफी नीचे जाकर आप बनोगे एसडीएम। देखिए रैंक के हिसाब से अच्छी खासी नीचे आती है, ये रहता है। तो राष्ट्रपति देश का, राष्ट्रपति कोई बनता है, इतिहास में नाम हो जाता है उसका, देश का सर्वोच्च अधिकारी। जब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो आज तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं? उस पोस्ट पर हम जो आज बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे भाई, ये जो टॉप की पोस्ट है, जो इंडिया की सर्वोच्च पद है, टॉप पोस्ट है, इस पर कौन बैठता है? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए? इसके अलावा हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के अलावा हम बात करेंगे, और हम ये बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए।
इसके पास अगर हम आप बनना भी चाहते हैं तो इसके पास पावर क्या है, यानी कि इसके पास शक्तियां क्या क्या हैं, और इन शक्तियों का, इन पावर का ये कैसे यूज करता है, राष्ट्रपति अपने पावर का कैसे यूज करता है, जो क्या इसके पास बहुत ज्यादा पावर है या बिल्कुल पावर नहीं है। जैसे कि अमृति को क्या हर एक जो बात उसके पास जो बिल आता है क्या हर एक पर सिग्नेचर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सारी चीजें अगर करने चाहिए तो क्यों, और क्या वो मना कर सकता है सिग्नेचर करने को कोई कानून के ऊपर, ये सारी चीजें और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। इश्यूज यानी कि मुद्दे, राष्ट्रपति जो पहले ना पहले ऐसे वायसराय होते थे, ऐसे ये लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं, ये वायसराय थे। ये क्या है, ये जब खाली करके गए ना इस भवन को जहां राष्ट्रपति जी बैठते हैं, तो ये वही भवन है, ये खाली करके जा रहे हैं, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, यानी पावर ब्रिटेन से इंडिया को आ रही है, सारी चीजें वही एज इट इज हैं। ये देखिए जैसे पहले राजा होता था ना, राजा का नया रूप, जो हम किताबों में देखते हैं ना वो अच्छा खासा पावरफुल पोस्ट है जो हम पढ़ते हैं, और जिसके बारे में हम अब बात करेंगे वन बाय वन। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं वो व्यक्ति कैसे रहते हैं, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता है, और वो कैसे डिसीजन लेते हैं, उनके ऊपर किस चीज का प्रेशर होता है किसका नहीं होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है, हम बेसिक चीजें बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी के बारे में। ठीक है, देखिए हम जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पोस्ट लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के ये बेसिक चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पर है। जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है कि हमने राष्ट्रपति को जो दिया है बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया है, इसके पोस्ट को एक सिर्फ गरिमा में बनाया है, हमने इस तरह का बनाया है कि इसके पास ज्यादा पावर न हो, और इस डिग्निटी वगैरह के लिए ये पोस्ट क्रिएट किया गया है। ये है, ये कौन होता है, ये रहता है देश का सर्वोच्च होता है, इक्विवेलेंट टू किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ इंग्लैंड के इक्विवेलेंट रहेगा ये आपका प्रेसिडेंट, इंग्लैंड के राजा के जो राष्ट्रपति है ना, ये किन के समतुल्य होता है, किन के इक्विवेलेंट होता है, ब्रिटेन के राजा के। हमने बात किया ना हर एक देश में अलग अलग रहता है सिस्टम, और हमने ब्रिटेन के राजा के इसको इक्विवेलेंट क्यों माना है। यहाँ पर आप देखेंगे हम खूब सारी पावर देखेंगे, इसमें अच्छी खासी पावर मिलेंगी राष्ट्रपति के पास, आप कई तरह की पावर मिलती है राष्ट्रपति के पास, आप देखेंगे ना यहाँ पर आपने कल जो पूरी गवर्नमेंट की सारी पावर है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल पावर है, इसके अलावा आप देखेंगे इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर है, आर्मी से रिलेटेड पावर होती हैं, इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत ज़्यादा राष्ट्रपति के पास पावर होते हैं। इसके अलावा एक और पावर होती है जो आपकी किताबों में नहीं होती, ये होती है एथिकल पावर। ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे। एथिकल पावर में यानी कि राष्ट्रपति जी कुछ बोल दें पूरा देश उसको सुनता है, चाहे कोई भी बात है आप बोलेंगे, हो सकता है कोई सुने ना सुने, पर राष्ट्रपति जी ने कुछ बात बोल दी हर कोई उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देगा, ये अच्छी खासी पावर होती है। पर इन पावर का यूज कैसे करता है, अगर हम देखें इन दो पावर को छोड़कर बाकी सब का यूज किसके कहने पर करेगा, राष्ट्रपति को अच्छी खासी पावर दी गई है, पर सारी पावर को यूज कब किया जाता है, जब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, और इनका जो प्रमुख होता है इनका होता है आपका पीएम, यानी प्रधानमंत्री, मंत्रियों का प्रधान, यानी
जैसे गांव का मुखिया होता है ऐसे ही मंत्रियों का प्रधान, यानी प्राइम है, उनसे एक स्टेप ऊपर है बस, और कुछ नहीं है।